आज हम आए हैं उलाव स्थित जो मूसर टोला है, वार्ड नंबर 2 है, वहाँ पे टीम आश्रय आज आई है एक टाउनशिप परिवार के साथ। और यहाँ पे सुबह सुबह ज़रूरतमंद लोगों को और गरीबों को ठंड का कपड़े और अन्य चीज़ बांट रही है। तो हम आज पूछते हैं कि आज टीम आश्रय क्या कर रही है, और यहाँ हमारे स्थित टाउनशिप की कुछ महिलाएं हैं और एक परिवार है जो इस मुहिम से जुड़ी है, तो हम बात करते हैं उनसे। मैं ममता कुमारी टाउनशिप से, आज मैं कपड़ा बांट के इतना खुशी हूँ कि कुछ कहने के लायक नहीं है। सबके चेहरे पर खुशी देख कर हम बहुत खुशी हुए हैं, मिला है और सब बहुत आनंदित हुए हैं। बहुत के पास कपड़ा नहीं था और कपड़ा देने के बाद उसे खुशियाँ देकर के हम बहुत खुश हो गए। तो ये कपड़े इतने सारे आप कहाँ से लाए? सभी महिला ग्रुप है एक, हम लोगों को समिति महिला वहाँ से इकट्ठे किए, सभी को बोले, सभी थोड़ा थोड़ा करके पूरा किए एक सभी का कपड़ा। और ये टीम आश्रय से आपका जुड़ाव कैसे रहा? बहुत अच्छा रहा, ये लोग बहुत, ये बच्चे सब बहुत हेल्पफुल हैं और इकट्ठा करके सुबह शाम कहीं कहीं जा करके ये लोग बांटते हैं, स्लम में हर जगह गरीब जहाँ देखते हैं वहीं पर कपड़ा बांटते हैं। बहुत अच्छे ये सब काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहती है? वो कहेंगे कि अगर उनके पास कुछ ऐसा है जो वो यूजलेस है, जो नहीं यूज करते हैं, तो वो आश्रय संस्था से जुड़ के कपड़ा दें और हम लोग वितरण करेंगे। चाहे तो वो लोग भी आकर के वितरण कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरतमंद को देना हो दे सकते हैं। और सभी से आग्रह है कि ये इसमें शामिल हो जाए। आज के ज़माने में तो कोई किसी का भलाई नहीं करता, तो आप आज कपड़े बांटने निकले हैं? कोशिश करने पर मिल ही जाता है। अगर ऐसे देखें तो हमने बस थोड़ा सा पुश किए सबको और सब आकर के टाउनशिप में बाहर के लोग सभी हमको फ़ोन कर करके कपड़े के लिए बुलाएं और कपड़ा इकट्ठा हुआ जो हम आज इस वार्ड नंबर 2 में लेकर के आए हैं, आगे और भी जाएंगे। हमारे बीच एक और हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ, हम लोग को बहुत खुशी हुई, वार्ड नंबर 2 में बहुत से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएँ, बहुत से कपड़े का टंग में कपड़ा नहीं था, ठंडी का मौसम है जिसमें कि कपड़े का अभाव है, तो हम लोग बात कर करके इन लोगों को थोड़ा सा हम लोग प्रोत्साहन किए और अच्छा लगा कि सभी गरीब वासी ऐसे ही करके और सब जो हैं और मदद करें और इसको आगे बढ़ाने का कोशिश करें। धन्यवाद। और आज हम टीम आश्रय से पूछे कि आज वो क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हैं? हमारा आज का कार्य ये था कि हमारा मिलना हुआ आंटी से, तो आंटी का भी बिल्कुल हमारी तरह ही सोचना था कि जो भी ज़रूरतमंद है उनका हेल्प करना है। तो हमने सोचा कि हमने पहले एक दिन, हम लोग जो भी थे हमारे टीम मेंबर, हम आंटी ने मीटिंग किया और सोचा कि एक दिन फाइनल करके हम लोग कपड़ा बांटने चलेंगे। तो आंटी का कहना था कि आस पड़ोस में बहुत ऐसी जगह है, स्लम एरिया है, जो कि कपड़ा वपड़ा नहीं है उन लोगों के पास। तो हमने सोचा, फिर आंटी ने बताया कि ऐसी एक जगह है, चलते हैं। तो फिर इसी कारण से हमारा प्लान बना और हमने कपड़े इकट्ठे किए। इसमें बहुत हेल्पफुल रही हैं आंटी। आपकी ये जो पहल थी पूरे बेगूसराय में, मुझे लगता है कि अब सब आपके पहल से जुड़ने लगे, तो आपको कैसा लग रहा है? सोच तो है सबके अंदर, बट कभी किसी को करने का मौका नहीं मिल पाता, या फिर कुछ लोग ऐसे होते जो कि इस करेंगे सोचते हैं, बट लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप किसी के साथ मिल जाते हैं तो फिर बहुत सारी इस तरह की मदद हो जाएगी। तो ऐसे हमारे साथ जुड़िए, आंटी से मिलिए, इनका टाउनशिप में E2205 क्वार्टर नंबर है, इनसे मिलिए, नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। इनसे मिलकर के आप जो भी कपड़ा डोनेट करना चाहते हैं, या फिर टीम आश्रय से मिलकर के आप जो भी कपड़ा डोनेट करना चाहते हैं, आपके घर से, आपके दरवाजे से लेकर के वो कपड़ा हम लोग ले लेंगे, आप बस हमें फ़ोन कर दीजिएगा। तो ये बच्चे लोगों ने आपको ये जैकेट दिया और यहाँ जैकेट मिला, तो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, पहरे हुए हैं, ठंडे में राहत मिल गया। हाँ, बहुत ठंडी में बहुत बढ़िया मिल गया। ये सब अच्छा काम कर रहा है ना? हाँ हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं लोग, बच्चे लोग को दे रहे हैं कपड़ा वपड़ा, बहुत बढ़िया है, ठंडी का मौसम है, ठीक। क्या चाचा, ये सब कपड़ा दिया तो अच्छा लगा? जी अच्छा लग रहा है, ठंडा में कपड़ा दे रहा है। हाँ बढ़िया है सब, ठंडा में मदद मिला था कि नहीं? मिला था थोड़ा बहुत, सब दिया आपको अच्छा लगा? अच्छा लगले, हाँ अच्छा लगले, हाँ ठंडा लग रहा है ना? तब ठंडा लगे छा बेटा, के करता कोई ना बाबू, नहीं कोई नहीं, ठीक जे ले लिए कपड़ा।
हाँ, कपड़ा ठंडा हम कोई नहीं दे चल दल का। मैं गांव का एक ग्रामीण आदमी हूँ, ये हमारे टोले दो नंबर वार्ड में पड़ता है महादलित टोला। यहाँ भैया लोग आए कपड़ा को वितरण करे, बहुत बढ़िया अच्छा लगा। हमारे ये गरीब मोहल्ला है, दो नंबर वार्ड में सबसे मने जो सोच लीजिए, आप लोग को आने से यहाँ का जनता को भी खुशी मिला, हम लोग को भी खुशी मिला, सारे समाज को। आप लोग कपड़ा कम्बल ठंडा में मदद नहीं करता है और कोई तो यहाँ ठंडा में कोई नहीं आते हैं। आपके, पहले आपके वार्ड के तरफ से कोई नहीं आते हैं? कोई नहीं आते हैं, पहले थे हमारे राजा जी विभूति भूषण, वो जो थे पहले बांटते थे 10-20 साल पहले, लेकिन उसके जाने के बाद यहाँ कोई नहीं आते, कोई देखबे नहीं करते। इसके जाने के बाद पहला बार हम ही लोग आए हैं। हाँ नहीं, एक बार आ रहे थे कम्बल अगला साल, कम्बल उम्बल दिए थे, इस बार आप आए हैं। हाँ, मेरा नाम जो है प्रदीप राम उर्फ दयाल। हाँ, आप लोग का की बोलो? सारी दिए है मैडम दी। कोई देता है कि नहीं? नहीं, अभी इतने कोई देता है? तो कोई वार्डर से ऐसे नहीं, कोई कोई नहीं, कोई नहीं देता है खाली। हाँ, बहुत अच्छा लगा मैडम दिया है। तो ये देखा आपने कि ये थी टीम आश्रय, और टाउनशिप स्थित एक परिवार है जिन्होंने टीम आश्रय के साथ मिलकर गरीबों को, जो उलाव स्थित जो मूसर टोला है, जो गरीब इलाका है, वहाँ पे अपना ठंड का कपड़ा वहाँ बांटा और एक योगदान और एक अपना अपनी तरफ से एक योगदान दिया। और मैं कुमार सानू, आप सभी जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनसे ये आग्रह करूँगा कि अगर आपके पास कोई कपड़े पुराने कपड़े हो तो उन्हें फेंकने के बजाय गरीबों में दान करें और ज़रूरतमंद को दे। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा और मिलूँगा नेक्स्ट शो में, नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।